नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। WHO ने कहा कि पिछले दो वर्षों में कोरोना वायरस से स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभावों के कारण लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से 47 लाख लोगों की मौत। भारत ने WHO द्वारा कोरोना वायरस महामारी से संबंधित अधिक मृत्यु दर अनुमानों को पेश करने के लिए गणितीय मॉडल के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा, इस्तेमाल किए गए मॉडल और डेटा संग्रह की कार्य प्रणाली संदिग्ध। भारत में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 3545 नए मामले, 3549 रिकवर, 55 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 19688 हुई। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह 6:26 पर खोल दिए गए। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना कर लिया बाबा केदार का आशीर्वाद। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज से शुरू होगा सर्वे। SI के 5 विख्यात पुरातत्वेता दोपहर 3 बजे से करेंगे सर्वे और वीडियोग्राफी। अदालत ने अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट को सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर 10 मई को मांगी रिपोर्ट। राज्य पिछड़ा कल्याण आयोग ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में OBC वर्ग को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की। राज्य की ओर से केंद्र को भी भेजा जाएगा प्रस्ताव। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी आयोग की रिपोर्ट। रेलवे ने ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए देश भर में कोयला रेक की आवाजाही को प्राथमिकता देने के वास्ते 42 यात्री रेलगाड़ियां रद्द की। इनमें से 40 रेलगाड़ियां 24 मई तक रद्द रहेंगी, बाकी 2 8 मई तक बहाल कर दी जाएंगी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दी अयोध्या में न घुसने की धमकी। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। भाजपा सांसद ने राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों के अपमान को बनाया मुद्दा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की माने तो मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य नहीं है। शाह ने सिलीगुड़ी में कहा कि जहां भाजपा की सरकार है वहां पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर मिलता है। दरअसल मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा दाम पर बिक रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रनों से हराया। वार्नर और पावेल ने की 122 रनों की साझेदारी। इस जीत के साथ दिल्ली की टीम 10 मैचों में 10 अंकों के साथ अंक तालिका में 5वें नंबर पर। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, नहीं कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।